हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपके माइंड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से रिलेटेड डाउट्स हैं तो उन डाउट्स का आंसर जानने के लिए उन डाउट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करें। आपको ज़्यादातर डाउट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि वो किताब में नहीं लिखे होते हैं। आप उन डाउट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को अनदेखा ना करें, उन डाउट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर खुद खोजने की कोशिश करें, क्योंकि आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं दूसरों के कंपैरिजन में। नाउ द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज द चैडविक्स एक्सपेरिमेंट। बट बिफोर दिस आई वांट टू टेल यू हाउ द आइडिया ऑफ न्यूट्रॉन्स केम। व्हेन साइंटिस्ट कंपेयर द मास ऑफ हीलियम एटम विथ टू हाइड्रोजन एटम्स, ही फाउंड दैट द मास ऑफ हीलियम एटम is greater than the mass of two hydrogen atoms. At that time, scientists knew that one helium atom have two protons and one hydrogen atom have one proton. So two hydrogen atom will have two protons. So they thought that their mass would be equal, but it is not. Scientists again compared the mass of helium atom, but now with four hydrogen atoms, and he found that the mass of one helium atom is equal to the mass of four hydrogen atoms. जब वैज्ञानिकों ने हीलियम एटम के मास की तुलना दो हाइड्रोजन एटम्स से की तो उन्होंने पाया कि हीलियम एटम का मास दो हाइड्रोजन एटम्स के मास से ज़्यादा है। उस समय वैज्ञानिक यही जानते थे कि एक हीलियम एटम में दो प्रोटॉन होते हैं और एक हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है, इसलिए दो हाइड्रोजन एटम में दो प्रोटॉन होंगे। इसलिए वैज्ञानिकों को लगा कि उनका मास बराबर होगा, लेकिन यह नहीं है। वैज्ञानिकों ने फिर से हीलियम एटम के मास की तुलना की, लेकिन इस बार चार हाइड्रोजन एटम से, और उन्होंने पाया कि हीलियम एटम का मास चार हाइड्रोजन एटम्स के बराबर है। यह बहुत ही उलझन वाली बात थी। टू नो द आंसर वाई द मास ऑफ वन हीलियम एटम इज ग्रेटर देन द मास ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स, अ साइंटिस्ट जेम्स चैडविक डिड अ एक्सपेरिमेंट इन 1932। नाउ लुक एट द बोर्ड। इन दिस एक्सपेरिमेंट चैडविक्स प्लेस्ड द अल्फा पार्टिकल इमिटर हेयर। ही यूज्ड पोलोनियम एज अ अल्फा पार्टिकल इमिटर। पोलोनियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट दैट इमिट्स अल्फा पार्टिकल व्हेन इट डिकेज। इस प्रयोग में जेम्स चैडविक ने अल्फा पार्टिकल इमिटर यहाँ लगाया। उन्होंने पोलोनियम को अल्फा पार्टिकल इमिटर के रूप में उपयोग किया। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं जब इसका क्षय होता है। नाउ ही पुट अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम हेयर। When alpha particle hit the beryllium sheet, something comes out from the beryllium sheet. जब alpha particle beryllium sheet से टकराते हैं तो इनसे कुछ बाहर निकलता है। Chadwick observed that the thing that is coming out of the beryllium sheet after hitting by the alpha particle have no charge. So he said that it would not be electrons or protons because the thing that is coming out of the beryllium sheet have no charge, so they are not electrons or protons, they are something else. वह चीज़ जो beryllium sheet से alpha particles टकराने के बाद निकल रही थी, इसके बारे में जेम्स चैडविक ने जांच की तो उन्होंने पाया कि वह चीज़ जो beryllium sheet से बाहर निकल रही है उसमें कोई चार्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि वह चीज़ जो बेरिलियम शीट से बाहर निकल रही है वह इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नहीं है, वह कुछ और हैं। दीज आर द वेव्स ऑफ न्यूट्रॉन। एट दैट टाइम जेम्स चैडविक डिड नॉट नो अबाउट दैट। टू नो अबाउट दिस जेम्स चैडविक प्लेस्ड अ पीस ऑफ पैराफिन वैक्स पैराफिन वैक्स
इट इज़ जस्ट लाइक अ पीस ऑफ कैंडल। इस चीज़ के बारे में और जानने के लिए जेम्स चैडविक ने पैराफिन बैग्स का टुकड़ा यहाँ लगाया, या मोमबत्ती के टुकड़े जैसा है। व्हेन दीज रे हिट द पीस ऑफ पैराफिन बैग्स, समथिंग कम आउट ऑफ इट एंड दैट इज प्रोटॉन। When alpha particle hit the beryllium sheet, neutrons comes out, and when neutrons hit the paraffin bags, proton comes out. Here, James Chadwick placed a proton detector to know that the thing that is coming out of the paraffin bags. By proton detector, he came to know that the thing that is coming out of the paraffin bags is proton. James Chadwick said that protons can't come out hitting by a tiny particles. He said proton only come out when hit by something that has same mass as proton. James Chadwick ने कहा कि protons छोटे particles से टकराने पर बाहर नहीं आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रोटॉन तभी बाहर आ सकता है जब वह किसी ऐसे चीज़ से टकराए जिसका मास उतना ही है जितना कि प्रोटॉन का। बाय दिस एक्सपेरिमेंट जेम्स चैडविक सैड दैट द थिंग दैट कमिंग आउट ऑफ द बेरिलियम शीट इज अ वेव ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल एंड ही नेम्ड दैट न्यूट्रल पार्टिकल एज न्यूट्रॉन that have no charge. इस प्रयोग से जेम्स चैडविक ने बताया कि वह चीज़ जो बेरिलियम सीड से बाहर आ रही है वह न्यूट्रल पार्टिकल्स का वेव है, और उन्होंने उस न्यूट्रल पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन कहा जिसका कोई चार्ज नहीं होता है एंड इट हैव सेम मास एज प्रोटॉन। न्यूट्रॉन हैव 1.67 into 10 to the power negative 27 kg. It is the mass of neutron, same as proton. Neutron का mass 1.67 into 10 to the power negative 27 kg है. Finally, neutron was discovered by James Chadwick by this experiment. अंततः जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन खोजा गया इस एक्सपेरिमेंट से। फॉर नाउ बाय बाय, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू व्हाट इज मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और एक बात मत भूलना, किसी भी क्वेश्चन का आंसर खोजते रहो जब तक वह मिल ना जाए।